हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नए सेशन में। तो बच्चों, आज हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट की फोर्थ क्लास, पहले तीन क्लास के अंदर क्या पढ़ा था आई होप आपने उसको पढ़ लिया होगा, रिवाइज भी कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को यहीं छोड़ो, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओ, पहले वो तीन लेक्चर देखो, फिर लौट कर आओ, तब मजा आएगा इस चैप्टर को पढ़ने में। तो चलिए बच्चों, बिना टाइम को वेस्ट करें कंटिन्यू करते हैं। पहली तीन क्लासेस के अंदर हमने बच्चों ये मेजर टॉपिक सीख लिए थे, मीनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, फीचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट और इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। लास्ट क्लास जो हमारी थर्ड क्लास थी, उसके अंदर हमने चालू किया था डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट के क्या क्या पार्ट्स होते हैं। और मैंने आपको बताया था यहाँ पर हम जनरल फोर्सेस की बात कर रहे हैं जो सारे बिजनेस को इनडायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं। फिर हमने तीन पढ़ लिए थे डायमेंशन। पहला हमने पढ़ा था इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, जिसके अंदर हमने बात करी थी इकोनॉमिक फैक्टर्स की जो हमारे बिजनेस को इम्पैक्ट करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट्स, डिस्पोजेबल इनकम, स्टॉक मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज, ये सारे फैक्टर्स हैं जो हमारे बिजनेस को इकोनॉमिकली इफेक्ट करते हैं। फिर हमने पढ़ा था सोशल एनवायरनमेंट, जिसके अंदर हमने देखा था सोसाइटी के ट्रेंड, हमारे कस्टम, हमारे ट्रेडिशन, हमारी वैल्यूज जो हमारे बिजनेस को इम्पैक्ट करते हैं, हमारा सोशल एनवायरनमेंट बनता है। फिर हमने देखा था टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, जिसके अंदर हमने काफी सारे एग्जाम्पल देखे थे। टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट के अंदर तीन कीवर्ड थे, साइंटिफिक इंप्रूवमेंट्स एंड इनोवेशन। मतलब साइंटिफिकली अगर हम नए वेज ढूंढ रहे काम करने के या इनोवेट कर रहे हैं, वो हमारा टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट का पार्ट बनता है और वो हमारे बिजनेस को पॉजिटिवली या नेगेटिवली दोनों तरीके से इफेक्ट कर सकता है। क्लियर हो गया? ओके, आज बच्चों हम इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। आज हमारे बचे हुए दो डायमेंशन हम कंप्लीट करेंगे। कौन कौन सा है? एक हमारा पॉलिटिकल एनवायरनमेंट और दूसरा है हमारा लीगल एनवायरनमेंट। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज बच्चों टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले वो हमारा पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। ध्यान रखना, डायमेंशंस को याद करने का मैंने आपको तरीका बताया था, पेस्टल या फिर स्लेप्ट। एस स्टैंड फॉर सोशल एनवायरनमेंट, एल स्टैंड फॉर लीगल एनवायरनमेंट, ई स्टैंड फॉर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, पी स्टैंड फॉर पॉलिटिकल एनवायरनमेंट और टी स्टैंड फॉर टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। सो स्लेप्ट या फिर पेस्टल करके आप याद कर सकते हो। फोर्थ पॉइंट हमारा पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। तो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं वो पढ़ने हैं। वो पॉलिटिकल कंडीशंस, कौन कौन सी पॉलिटिकल कंडीशंस, जैसे कि जनरल स्टेबिलिटी, हमारी गवर्नमेंट कितनी स्टेबल है, क्या बार बार गवर्नमेंट चेंज होने की बात होती है, क्या बार बार जो अलायंसेस होते हैं वो टूटने के बारे में बात होती है। पीस इन द कंट्री, बिल्कुल सही, बिजनेस में हमारी शांति कितनी है, कोई दंगे फसाद तो नहीं हो रहे पॉलिटिकली, वो सारी चीजें। प्लस स्पेसिफिक एटीट्यूड्स दैट इलेक्टेड गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव होल्ड टुवर्ड बिजनेसेस। मतलब ये होता है ना, कभी कभी गवर्नमेंट आती है बोलती कि हम शराब बंद कर देंगे, हम ड्रग्स बंद कर देंगे, हम पॉलिथीन को बैन कर देंगे, तो ये सब क्या है? ये सिर्फ गवर्नमेंट का एटीट्यूड है बिजनेसेस के प्रति। तो ये सारी चीजें बिजनेसेस को इम्पैक्ट करती हैं। अगर बिजनेसेस, गवर्नमेंट बोलती है कि भैया पॉलिथीन बंद, तो ये पॉलिटिकल एनवायरमेंट की वजह से हमारा बिजनेस ठप हो गया अगर हम पॉलिथीन बनाते हैं। ये आपको चीज क्लियर हो रही नहीं हो रही? अगर हमारा अल्कोहल सेलिंग का बिजनेस का काम है तो गवर्नमेंट ने बोल दिया हम दारू बंद कर रहे हैं, हम अल्कोहल बंद कर रहे हैं, तो ऐसे केस में हमारा बिजनेस के लेने के देने पड़ गए क्योंकि हम अल्कोहल बेच रहे थे। तो ये सिर्फ पॉलिटिकल एनवायरमेंट की वजह से हमारी चीजें हो रही है। द सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलिटिकल कंडीशन बिजनेस सक्सेस लाइज इन द प्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज एंड द स्टेबल पॉलिटिकल कंडीशन। क्या मतलब है? तो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के अंदर बिजनेस सक्सेस कब पा सकता है? जब आपको पता हो कि गवर्नमेंट कौन कौन सी पॉलिसी बना सकती है और उस हिसाब से वो आप एक्टिविटी कर रहे हो। समझ में आ रही है ये चीज? मैं फिर से रिपीट करता हूँ, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के अंदर आप तभी सक्सेसफुल हो सकते हो जब आप गवर्नमेंट की पॉलिसी के हिसाब से, जो स्टेबल पॉलिटिकल कंडीशन है उसके हिसाब से आप अपनी एक्टिविटीज को प्रिडिक्ट करके वो काम कर रहे हो, तभी आप सक्सेस पा पाओगे। अदरवाइज गवर्नमेंट ने कुछ बोल दिया, आप कुछ कर रहे हो, तो भैया कांड हो जाएगा। आगे याद रखा है, there may be uncertainty of business activity due to political unrest and law to threat and order. कभी गवर्नमेंट लेकर आते हम ये कानून लेकर आएंगे। आपने सुना होगा अभी किसान के कानून आए थे, तीन किसान कानून आए थे जिस वजह से किसान रोड पर आ गए थे। तो ये क्या था? पॉलिटिकल एनवायरनमेंट की वजह से कितने किसानों की डेथ हुई, कितनी फसल खराब हुई, कितने प्राइसेस इंक्रीज हो गए, हुआ था कि नहीं हुआ था, लास्ट में गवर्नमेंट ने वो कानून वापस लेने पड़े। तो ये सब किसके अंदर आता है? ये सब पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के अंदर आता है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने बोला कि हम नया कानून लेकर आएंगे, फार्मर्स को लगा ये कानून हमारे खिलाफ है, तो उन्होंने प्रोटेस्ट किया। तो ये क्या था? ये अनसर्टेनिटी थी। समझ में आ रही है ना चीज की, क्या होगा क्या नहीं होगा, वो सारी चीज। क्लियर हो रहा है आपको? ओके, आगे क्या दे रखा है?
और जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है बच्चों, वो क्या करती है, बिजनेसेस ओनर्स के बीच में कॉन्फिडेंस बिल्ड करती है कि भाई गवर्नमेंट स्टेबल है, गवर्नमेंट की सोच स्टेबल है, तो हाँ हम बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के अंदर, जिससे हमारी जो कंट्री है वो ग्रो कर जाएगी। और लेकिन हमको पता है कि पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है, तो भैया हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो हिलने लगेगा, हम इन्वेस्ट करने की सोचेंगे, हम कोशिश करेंगे गवर्नमेंट बदल जाए या गवर्नमेंट पहले डिसाइड कर ले उसके बाद हम काम करेंगे। तो इस तरीके से हमारा पॉलिटिकल एनवायरनमेंट हमारे बिजनेसेस को काफी ज्यादा इम्पैक्ट कर देता है। क्या आपको ये चीज क्लियर हो रही है? ओके, तो ये पॉजिटिव इफेक्ट भी होता है, उसका नेगेटिव इफेक्ट भी होता है। अब पढ़ते हैं एलिमेंट्स ऑफ पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। ये काफी एग्जांपल दे रखे हैं जो ये बताता है कि पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का आपके बिजनेस पे क्या क्या असर पड़ सकता है। जैसे करंट पॉलिटिकल सिस्टम क्या है, उससे आपके बिजनेस पे असर पड़ सकता है। पॉलिटाइजेशन ऑफ बिजनेस एंड इकोनॉमिक इशू, बिजनेस और इकोनॉमिक इशू में कितनी राजनीति करी जा रही है। भैया मोदी गवर्नमेंट ने ये किया, नेहरू गवर्नमेंट ने ये किया, गांधी गवर्नमेंट ने ये किया, यूपी गवर्नमेंट ने ये किया, कितना ज्यादा पॉलिटिकल होता है ये सारी चीजें, ठीक है। सोच क्या है, आइडियोलॉजी क्या है, वैल्यूज क्या है। जैसे हमारी जो मोदी गवर्नमेंट की वैल्यूज क्या है, राम राज्य। राम राज्य का मतलब होता है पीस ऑल ओवर कंट्री, ठीक है ना। ये है हमारा, या तीन तलाक हटाओ, 370 को हटाओ, जो कश्मीर को भारत से जोड़ो, तो ये उनकी आइडियोलॉजीज थी और उस हिसाब से उन्होंने काम किया, ठीक है ना। पॉलिटिकल लीडरशिप कैसे, हमारे लीडर्स कैसे, उनकी सोच कैसी है, वो सारी चीजें हमारे बिजनेस को इम्पेक्ट करती हैं। पॉलिटिकल पार्टी का मोरालिटी क्या है, वो कितने मॉरली जस्टिफाइबल है, वो सारी चीजें, ठीक है। इसके अलावा पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट और उसकी एक्टिविटीज कैसे काम कर रही हैं, वो सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। और काफी सारे एग्जांपल है, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, करंट पार्टी जो है जो रूल कर रही है, जो जैसे हमारी मोदी गवर्नमेंट है, इनकी क्या सोच है। इसके अलावा गवर्नमेंट कितना इंटरवीन करती है बिजनेस के अंदर, कितना इंटरफेयर करती है बिजनेसेस के अंदर, ठीक है। और हमारी दूसरी कंट्री के साथ रिलेशनशिप क्या है, ध्यान रखना बच्चों, ये एच पॉइंट है ना, ये इंपॉर्टेंट है बता दूं, क्योंकि ये 1 मार्क्स में बहुत बार पूछा जा चुका है। क्वेश्चन आया था हमारी कंट्री के दूसरी कंट्री के संग रिलेशन क्या है, ये कौन से एनवायरनमेंट का पार्ट है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का पार्ट है, इकोनॉमिक का पार्ट है, टेक्नोलॉजी का पार्ट है, सोशल का पार्ट है, लीगल का पार्ट है। तो आपको आंसर क्या देना होगा, पॉलिटिकल का पार्ट है। बस इतना सा बेसिक था और कुछ भी नहीं। तो आपको आई होप पॉलिटिकल एनवायरनमेंट क्लियर हो गया होगा। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट स्टैंड्स फॉर व्हाट, पॉलिटिकल कंडीशंस, पीस, स्टेबिलिटी, गवर्नमेंट के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की सोच। रीड कर लेना, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ, एक सेकंड को, ये देखो क्या लिखा हुआ है, जर्नल स्टेबिलिटी, पीस, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव का एटीट्यूड क्या है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। तो ये सारी चीजें जब आपके बिजनेस को इम्पैक्ट करती हैं, वो क्या बनाती है, हमारी पॉलिटिकल एनवायरमेंट का पार्ट बनती है। क्लियर हो गया? ओके, लास्ट बच्चों जो हमारा डायमेंशन है बिजनेस एनवायरमेंट का, वो है हमारा लीगल एनवायरमेंट। लीगल मतलब लॉस, रूल्स, ठीक है, रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो इंडिया के अंदर अगर बात करी जाए तो काफी सारे लेवल पर रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं। जैसे सबसे पहले जो गवर्नमेंट होती है वो कानून पास करती है पार्लियामेंट के थ्रू, ठीक है। दूसरा जो हमारी गवर्नमेंट अथॉरिटीज होती है वो ऑर्डर पास करती है, जैसे नगर निगम वगैरह हो गए, हमारे जो मिनिस्ट्रीज हो गई, ये सारे ऑर्डर्स पास करते हैं। कोर्ट के जजमेंट, ये भी अपने आप में कानून होता है, कोर्ट ने बोल दिया ये चीज ऐसे है तो वो मानी जाएगी। और इसके अलावा जो हमारे नगर निगम होते हैं या फिर जो हमारे छोटे लेवल की पंचायत वगैरह होती हैं, ये सब क्या करती हैं, अपने कुछ फैसले सुनाते हैं। जब इनके फैसले होते हैं वो कानून बन जाते हैं, ठीक है ना, तो वो मानने पड़ते हैं, चाहे वो सेंट्रल लेवल पर हो, चाहे वो स्टेट लेवल हो, चाहे वो लोकल लेवल पर हो। तो इन तीन लेवल पर डिसीजन आते हैं। फिर से रिपीट करते हैं, लेजिस्लेशन, इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स और कोर्ट के जजमेंट। तो ये सारी चीजें मिलकर क्या बनता है, हमारा लीगल एनवायरमेंट बनता है। तो कानून की वजह से अगर आपका बिजनेस इंपैक्ट हो रहा है पॉजिटिवली या नेगेटिवली, तो वो लीगल एनवायरनमेंट का पार्ट है। और आगे इन्होंने क्या दे रखा है कि भैया अगर आप भारत में रहते हो तो आपको उसका कानून मानना पड़ेगा। तो कोई भी बिजनेस है उसे उस जमीन का कानून मानना पड़ेगा जिस जमीन पर वो बिजनेस कर रहा है, और वो करने के लिए उसके पास उसको अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। आप ये बोलोगे सर मुझे पता नहीं था, ये कोई एक्सक्यूज नहीं होता है, कानून सबको पता होना चाहिए। आपकी जिम्मेदारी, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं है कि आपको कानून नहीं पता, या आप अपने बिजनेस में इतने बिजी हो कि आपको कानून की तरफ ध्यान ही नहीं, ये आपकी गलती है कि आप कानून के लिए अवेयर नहीं हो। अगर आप कानून को फॉलो नहीं करते हो तो भैया आप लीगल प्रॉब्लम्स में फंस सकते हो। तो ध्यान रखना, यू हैव टू कंप्लाई विद ऑल द लीगल रूल्स एंड रेगुलेशन, अदरवाइज यू विल फॉल इनटू लीगल प्रॉब्लम्स, कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ जाएंगे। तो यहाँ पर बच्चों कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं आपके सामने, बहुत सारे कानून के नाम दे रखे हैं, जैसे कंपनीज एक्ट,
इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट, फैक्ट्रीज एक्ट, ट्रेड यूनियन एक्ट, वर्कमैन कॉम्पनसेशन एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, कॉम्पिटिशन एक्ट, ये बहुत सारे कानून हैं जो बिजनेसेस को चलाने के लिए बनाए गए, बिजनेस को प्रॉपरली चलाने के लिए। तो इन सब की नॉलेज होना आपको जरूरी है। अगर आप इन चीजों को फॉलो नहीं करते हो तो लेने के देने पड़ सकते हैं, ठीक है। ये आपको सिर्फ नाम रीड करने, याद नहीं करने। जिसके आगे एक्ट लग जाए, ईयर लग जाए, तो वो कानून है, वो लीगल अमेंडमेंट का पार्ट बन जाता है। क्लियर हो गया? ओके, तो बस आपको ये ध्यान में रखना है। और ये कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं बच्चों, वो आपको रीड कर लेना है। एग्जाम्पल क्या दे रखा है, जैसे आप कभी भी कोई मूवी देखते हो, कोई वेब सीरीज देखते हो, या फिर कोई टीवी पे ऐड आता है स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, तो ये क्यों आता है? उस कंपनी को आपकी भलाई का फायदा है? नहीं, एक कानून में दे रखा है कि आपको एडवर्टाइजमेंट करते समय देना पड़ेगा। आपने सिगरेट के बॉक्स देखे हो, आपने तंबाकू के सैशे देखे हो, तो क्या कंपनी को मजा आ रहा है वो कैंसर की फोटो लगाने में? कैंसर की फोटो देख के बल्कि वो खरीदेंगे नहीं लोग, लेकिन उनको लगानी पड़ती है। ऐसा क्यों? गवर्नमेंट ने कानून बना रखा है कि कल को आप एल्कोहल को, तंबाकू को प्रमोट करते हो, बेचने की कोशिश करते हो, ऐड दिखाते हो, तो आपको वार्निंग देनी पड़ेगी। क्या वार्निंग देनी पड़ेगी? कि ये आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। समझ में आया? लीगल एनवायरमेंट का पार्ट है। अगला एग्जांपल, अगर आप बेबी फूड को एडवर्टाइज करते हो, आई रिपीट, अगर आप बेबी फूड को, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं 2 साल 3 साल 4 साल के, अगर उनको एडवर्टाइज करते हो, तो आपको ये बताना पड़ेगा कि हाँ भाई, माँ का जो दूध होता है वो सबसे बेस्ट होता है। ये एडवर्टाइजमेंट करनी कंपलसरी है, ध्यान रखना, लीगल एनवायरमेंट है। क्या लिखा हुआ है? All these regulations are required to be followed by the advertiser. अगर आप फॉलो नहीं करोगे तो भैया पेनल्टी, फाइन, सब कुछ लग जाएगा। क्लियर हो गया? तो बच्चों, आज हमने पढ़े 2 एनवायरमेंट और हमने आज टॉपिक कंप्लीट कर लिया अपना, डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट। पहला हमने आज कौन सा पढ़ा? पॉलिटिकल एनवायरमेंट, और दूसरा हमने पढ़ा लीगल एनवायरमेंट। आई होप बच्चों आपको ये पूरा टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आपसे मुलाकात करेंगे अगले क्लास के अंदर, जिसके अंदर हम चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तब तक अपना बहुत ख्याल रखना और पढ़ते रहना। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।